हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमारा क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन द टर्म ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद टू एग्जांपल ईच। फर्स्ट ए इज ऑक्सीडेशन एंड बी इज रिडक्शन। तो हम लोग को बताना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कब होगा। अगर ऑक्सीजन गेन होता है तो क्या होगा, या लॉस होता है तो क्या होगा। तो अगर ऑक्सीडेशन की बात करें, तो दोज केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू द एलिमेंट टू फॉर्म रेस्पेक्टिव ऑक्साइड लिखते हैं, रेस्पेक्टिव ऑक्साइड। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर बोल सकते हैं कि अगर सपोज कर लो हमारे पास सोडियम है, सोडियम है, यह ऑक्सीजन से रिएक्ट कर गया और ऑक्सीजन से जैसे ही ये ट्रीट किया, ये सोडियम ऑक्साइड बन गया। यहाँ पे देखो सोडियम अकेले था और यहाँ पे जब देखोगे सोडियम के साथ ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ये हुआ ऑक्सीडेशन। जब भी ऑक्सीडेशन होगा ऑक्सीजन ऐड होगा। एक और एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, जैसे Mg+O2, 2 Mg ऑक्सीडेशन है, ये भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ यहाँ पे भी, तो ये भी हमारा ऑक्सीडेशन है। तो ऐसे एग्जांपल होते हैं ऑक्सीडेशन में, जहां पर ऑक्सीजन क्या होते हैं, गेन करते हैं, और ऑक्सीजन जहां पे लूज करेंगे वहां पर होगा रिडक्शन। तो रिडक्शन द रिएक्शन इन विच the reaction in which oxygen is being removed from the compound. It's called reduction. उसको reduction बोलते हैं। यहाँ से oxygen क्या होता है, remove होता है। तो example के तौर पे अगर देखोगे तो CuO+H2, तो reaction करने के बाद क्या हो रहा है, ये बन जा रहा है Cu+H2O। देखो यहाँ पे copper oxide से oxygen निकला, removal of oxygen। तो ऑक्सीजन अगर लूज करेगा तो क्या करेगा, ऑक्सीजन लॉस करेगा तो यहाँ पर रिडक्शन कहलाएगा। तो ये हमारा रिडक्शन रिएक्शन है। इसके अलावा एक और रिएक्शन देखते हैं, HGO, ये रिएक्ट करेगा, इसको हीट करोगे ये ब्रेक करेगा, तो ये बन जाएगा 2Hg+O2। तो ऑक्सीजन देखो ब्रेक हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे भी हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मीन्स रिडक्शन। तो रिडक्शन ये है। तो जहां पर भी ऑक्सीजन ऐड होगा उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और जहां पर भी ऑक्सीजन रिमूव होगा उसको बोलते हैं रिडक्शन। R से रिमूव, R से रिडक्शन। ठीक है, ये याद रखोगे, रिमूव रिडक्शन, ये ट्रिक से आपको याद रह सकता है। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।